जी सर, जैसा कि बात अभी चल ही रही थी कि जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है और ऐसे में जनता अलग अलग नजरिए से इसको समझना चाहती है, देख भी रही है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप चैनल के माध्यम से आप सबों को नववर्ष की शुभकामना देते हैं, साथ ही मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की भी शुभकामना पूरे जिले वासियों को और प्रदेश वासियों। जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है तो जब हमारे बिहार के अभी डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ संयुक्त बैठक करके और देश के माननीय प्रधानमंत्री से मिल करके ज्ञापन देने का काम किए कि सर देश स्तर पर जातीय जनगणना कराया जाए। प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया मगर उस आश्वासन पर खरा नहीं उतरे। इसके बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने अपना एग्रीमेंट कर लिया कि किसी शर्त पर तेजस्वी यादव का जो ज्ञापन है उसको हम सशक्त समर्थन करते हैं और बिहार में जातीय जनगणना कराकर मानेंगे, ये इसके लिए राज रहे या जाए, ये नीतीश कुमार जी का बयान था और उस बयान को अमली जमा पहनाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो भी छोटे से लेकर और स्वर्ण जाति के लोग हैं, गरीब गुरबे हैं, सबको जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कहा करते हैं कि जितनी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो भाई मेरे हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए। गांव गरीब किसान झोपड़ी में रहने वाले लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रोजी रोजगार के मोहताज हैं। जब जनगणना हो जाएगी तो पर्दा साफ हो जाएगा और सबको रोजगार मिलेगा, जितना जिसका भागीदारी होगा उतना उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसे में आपकी पार्टी लगातार मीटिंग कर रही है और जनता के बीच में जा रही है, अपना एक श्रृंखला बना चुकी है। बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का आह्वान है कि हम गांव गरीब किसान के झोपड़ी तक जाएंगे और जो विगत 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार वासियों से जो वादा किए थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, उस वादा को पूरा करने जा रहे हैं, ताकि बिहार की जनता ये न कहे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप वादा किए थे और वादा पर खरे नहीं उतरे। वादा पर खरा उतरने जा रहे हैं। आप भली भांति देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, बिहार पुलिस हो, हर विभाग में भारी पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने की तैयारी चल रही है, सभी विभाग का डाटा तैयार हो रहा है और लाखों लाख रोजगार मिलने जा रहे हैं। बिहार में भारी पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और तेजस्वी यादव में आस्था और विश्वास है। इसको लेकर के लगातार मीटिंग भी हो रही है, मीटिंग चल रही है, हमारे नेता का संदेश है और बिहार प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष है आदरणीय जगता बाबू, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अस्वस्थ है, अभी हॉस्पिटलाइज है, उनका गाइडलाइन है, प्रदेश अध्यक्ष जी का गाइडलाइन है कि हमारे जिले में हर मंथ में प्रथम संडे को बैठक होगी, दूसरे संडे को प्रखंड में और तीसरे संडे को पंचायत में और उसका फुल मीटिंग अंतिम संडे को प्रदेश मुख्यालय में होगा, ताकि जनता के किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तेजस्वी यादव कहा करते थे कि ये सरकार जो बनेगी पढ़ाई सिंचाई दवाई सुनवाई और कार्रवाई की सरकार बनेगी और उसका कार्रवाई आप प्रत्येक मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में सुनवाई चल रहा है उसी के अनुपात में कार्रवाई हर जिले में हो रहा है, इसलिए बिहार में एक बेहतर सरकार चल रही है और गरीब युवाओं किसान नौजवानों की समस्या का समाधान हो रहा है।